नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका चार कुकिंग में। नूडल्स तो छोटे या बड़े को सभी को पसंद है, तो आज बनाएंगे वेजिटेबल नूडल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। उसके लिए आप कोई भी कंपनी का नूडल ले सकते हैं। ये मैंने 400 ग्राम लिया है। इस सबसे पहले इसको बॉईल कर लेंगे। एक पतीला लिया मैंने, उसमें पानी रखा है। पानी देख सकते हैं आप गर्म हो गया। अभी उसमें नूडल डाल देंगे। थोड़ा नमक डालेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे। अपने को 80% ही पकाने का है, ज़्यादा नहीं पकाने का है। एक बार चेक कर लेते, अभी हुआ नहीं है। हमारा नूडल्स बॉयल होके तैयार है, एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए पक्के तैयार है। अभी निकाल लेंगे पानी के बाहर। चलने लिया है, उसमें निकाल लेंगे। अभी एक थाली में डाल देंगे। अब इसको फैला लेंगे और 2 से 3 मिनट फैन के नीचे रख देंगे, ताकि ये चिटके नहीं, खुली खुली रहे एकदम। नूडल्स बनाने के लिए क्या क्या वेजिटेबल लगेगा? मैंने केबेज लिया है, गाजर लिया है, ये ग्रीन वाली ओनियन है, रेड शिमला मिर्च लिया है, येलो लिया है, ग्रीन लिया है, और प्याज लिया है, और स्प्रिंग ओनियन लिया है, बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, रेड चिली पेस्ट लिया है, नमक लिया है, ग्रीन चिली पेस्ट लिया है, टमाटर सॉस लिया है, शेजवान सॉस लिया है, और विनीगर लिया है, और काली मिर्ची पाउडर लिया है। इसका स्वाद ज़रा अच्छा रहता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई रख दिया गैस पे। सबसे पहले तेल डालेंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, सबसे पहले लहसुन डालेंगे, थोड़ा हिला लेंगे। अभी पहले प्याज ऐड करेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी गाजर डालेंगे, थोड़ा हिला लेंगे। ध्यान रहे सब्ज़ी ज़्यादा पकाने का नहीं, अपने को थोड़ा नरम हो जाए, सॉफ्ट बस। अभी बाकी सब्ज़ी सब एक साथ डाल देंगे। सब सब्ज़ी पका के ले लेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे, ताकि सब्ज़ी जल्दी पक जाए अपनी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं हमारा सब्जी पक के तैयार है। अभी बाकी मसाले ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली पेस्ट, सोया सॉस डालेंगे, टमाटो सॉस डालेंगे, रेड चिली पेस्ट डालेंगे, काली मिरी पाउडर, थोड़ा विनीगर डालेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको पहले। मिक्स होके सब तैयार है। अभी नूडल्स डालेंगे। थोड़ा स्प्रिंग ओनियन डालेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे नूडल्स बन के तैयार है। अभी सर्व करेंगे। एक बॉल में निकाल लेंगे। थोड़ा स्प्रिंग ओनियन डालेंगे ऊपर से। हमारा नूडल्स बन के तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करना, और आप भी घर पे बनाओ, एंजॉय करो परिवार के साथ में।